अगर हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो ये फ़िफ्टीन जो है वो किन नंबर्स पे डिवाइड होने से हमारे पास सॉरी uh, मल्टीप्लाई करें किन नंबर्स को तो फिफ्टीन आता है हमारे पास थ्री फाइव ज फटीन यानी थ्री और फाइव जो हैं ये फिफ्टीन के फैक्टर्स हैं तो ये थ्री और फाइव जो है इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि थ्री और फाइव जो फिफ्टीन के फैक्टर्स हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं इसी तरह अगर हम एक नंबर लें जो है सिक्सटी अगर हम इसके फैक्टर्स में लिखें फोर मल्टीप्लाई फिफ्टीन यानी फोर को फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सिक्सटी आता है ये फोर और फिफ्टीन ये सिक्सटी के फैक्टर्स हैं लेकिन अगर हम देखें तो हम फोर को भी और फिफ्टीन को भी दोनों को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फोर जो है उसको हम अगर फर्दर इसकी डिवीजन करें तो हमारे पास क्या आता है तो ये फोर और फिफ्टीन दोनों क्योंकि फर्दर डिवाइड हो सकते हैं तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये फोर और फिफ्टीन जो है ये सिक्सटी के कंपोजिट फैक्टर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। अगर हम इनके फर्दर डिवीजन कर देते हैं जैसे फोर की हम अगर करें डिवीजन तो टू मल्टीप्लाई टू फोर होता है और फिफ्टीन की थ्री मल्टीप्लाई फाइव ये फिफ्टीन होता है तो इनको हम अगर सबको इकट्ठा कर लें यानी टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव तो ये भी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सिक्सटी के इक्वल आ जाता है तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये सिक्सटी के प्राइम फैक्टर्स हैं यानी अगर हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी फर्दर डिवीजन ना हो सके तो वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं अगर हमारे पास ऐसे हमने फैक्टर्स लिखे हुए हों जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तो वो इसके कंपोजिट फैक्टर्स होते हैं अब है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नॉन एज प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अभी हमने प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट फैक्टर्स के बारे में पढ़ा तो जो हमारे पास फैक्टर्स जब हम लिखेंगे अगर वो सारे प्राइम नंबर हैं हमारे तो वो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज नॉन एज प्राइम फैक्ट्राइजेशन यानी जो हमारे पास प्राइम नंबर आए फैक्टर्स आएंगे हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो उसकी प्राइम फैक्टोराइजेशन कहलाता है अब हम अपने यूनिट नंबर फोर की एक्सरसाइज फोर ए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग ये हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं इनके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं नंबर हमारे पास है थ्री सिक्सटी जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो हम इसको डिवाइड करके इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं थ्री सिक्सटी है हमारा इधर लास्ट पे जो डिजिट है वो ज़ीरो है इसको हम टू से डिवाइड कर सकते हैं तो हम पहले टू के साथ करेंगे कैसे होगा ये टू वन एज़ टू यहाँ से जो वन बच वो हम इस सिक्स के साथ लगाएंगे तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा सिक्सटीन तो ये सिक्सटीन बन गया टू एट सिक्सटीन अब ये ज़ीरो नीचे आ गया तो नंबर हमारे पास आ गया वन एटी अब यहाँ पर भी जीरो है इसको भी हम टू से कर सकते हैं डिवाइड टू के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे टू नाइन ज़ा एटीन ये ज़ीरो नीचे आ गया अभी भी यहाँ पर ज़ीरो है टू से डिवाइड होगा टू अब टू के टेबल में नाइन तो नहीं आता लेकिन नाइन से लेस नंबर हमारे पास एट आता है टू फोर ज़ा एट अब यहाँ से जो वन रह जाएगा वो हम इस ज़ीरो के साथ लगाएंगे ये हमारे पास टेन बन जाएगा टू फाइव ज़ा टेन अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है फोर्टी फाइव अब यहाँ पर लास्ट पे फाइव है इसको हम टू पर डिवाइड नहीं कर सकते तो ये नंबर हमारे पास जो है फोर्टी फाइव या थ्री के टेबल से डिवाइड हो सकता है हम थ्री से इसको करेंगे वैसे तो ये फ़ाइव के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है लेकिन हम प्राइम फैक्टर्स जो अपने लिखेंगे उनको हमने तरतीब से लिखना है यानी पहले छोटा होना चाहिए फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा इस तरतीब में आने चाहिए ये असेंडिंग ऑर्डर में तो हम इसलिए पहले फाइव की बजाय थ्री से करेंगे इसको अब थ्री के टेबल में फ़ोर तो नहीं आता है लेकिन फोर से लेस नंबर हमारे पास थ्री आता है थ्री वन ज थ्री अब इसमें से जो वन बच गया वो हम इस फाइव के साथ लगा लेते हैं ये फिफ्टीन बन गया थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब हमारे पास नंबर आ गया फिफ्टीन अब भी ये थ्री के टेबल से डिवाइड हो रहा है थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन अब सिर्फ फाइव रह गया नंबर वो फाइव से ही डिवाइड होगा फाइव वन इज़ फाइव अब लास्ट में हमारे पास वन आ गया यानी हमारे पास ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं ये सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं अब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ थ्री सिक्सटी ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं ये सारे हम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय फाइव तो ये हमने सारे लिख लिए ये अगर हम देखें तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स ही हैं ये हमारे पास थ्री सिक्सटी के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हम इनको तो इसको हम इस तरह से पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी टू हमारे पास यहाँ पर थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं टू इज़ बिंग मल्टीप्लाइड थ्री टाइम यानी टू जो है वो थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है अब थ्री जो है यहाँ पर टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर थ्री के ऊपर टू भी लगा सकते हैं कि टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर नंबर जो है हमारा थ्री फाइव जो है वो सिंगल है यहाँ पर तो फाइव को एज इट इज़ लिख लेंगे तो आप प्राइम फैक्टर्स जो है ये हमारे पास सारे थ्री सिक्सटी के प्राइम फैक्टर्स आ गए